बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, ऑस्मो रेगुलेशन का एन भी मिसिंग है और इन का भी एन मिसिंग और प्लांट्स का भी। तो आप अपने बुक पे देख लीजिएगा, ये है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, पूरा टॉपिक ये बनता है, ठीक है जी। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हमने ऊपर कल डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी, ठीक है। तो इस हवाले से प्लांट्स की तीन कैटेगरीज आपकी बुक में लिखी गई हैं। वैसे एक और भी होती है, हेलोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स पहली कैटेगरी है। हाइड्रो कहते हैं पानी को और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। हाइड्रोफाइट्स ये वो पौधे होते हैं जो पानी की एक्सेस सप्लाई में रहते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैव एडेप्टेशन टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल विद फ्रेश वाटर। फ्लडिंग, पानी बहुत ज़्यादा होता है, पानी के अंदर ये डूबे हुए पौधे होते हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, पानी को अपने सेल में से खारिज करना पड़ता है। अगर ये खारिज नहीं करेंगे तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा दाखिल हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा, पौधा मर जाएगा, ठीक है ना। तो इस सिलसिले में फिर क्या होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज़ वेरी लार्ज टू ट्रांसपायर द वाटर एक्सेसिवली। ये अपने एक्स्ट्रा वाटर को, उनके लीव्स बड़े बड़े होते हैं, जितना बड़ा लीव होता है लीफ का लेमिना, जितना पत्ता चौड़ा होता है उतने उसके ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतना ही उनमें ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। आगे लिखा उसने नंबर नेक्स्ट में, एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होंगे जिसकी वजह से उनकी बॉडी से वाटर लॉस होगा। अगर वाटर लॉस नहीं करेंगे तो ये प्लांट डेड हो जाएंगे। हाइड्रो मतलब पानी, फाइट्स मतलब प्लांट्स। तो ये वो पौधे हैं जो वाटर की एक्सेस सप्लाई में रहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो आप लिख लीजिएगा, हाइड्रिला। हाइड्रिला एक पौधा है, और पिस्तिया एक ऐसा पौधा है जो हर वक्त पानी में रहते हैं, हाइड्रिला, ठीक हो गया। दूसरा जनाब, ये शायद उसने फिगर में भी हमें दिखाया है, ये नीचे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स ये दिखाए हैं उसने। ये देखें, ये बड़े बड़े छोटे छोटे पत्तों वाले लीव्स हैं। इसके नाम नहीं उसने लिखा, नाम मैंने आपको बता दिया, आप लिख लीजिएगा गूगल से भी, इसके इमेजेस भी देखें और इसके एग्जांपल भी देखें। दूसरी कैटेगरी आ गई जी मीज़ोफाइट। मीज़ो कहते हैं मॉडरेट को, दरमियाने को। ये लिखा उसने मीज़ोफाइट्स, फाइट्स मींस प्लांट्स हैव द मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। इन ये ऐसे पौधे हैं जिनके पास पानी की सप्लाई दरमियानी होती है, ना ज़्यादा ना कम। जब ज़्यादा हो जाती है, इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर, जब पानी इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, स्टोमेटा कैप्ट ओपन, ये अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं ताकि जो ज़्यादा वाटर है वो निकल जाए इनकी बॉडी से, ठीक हो गया। इन द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, जब पानी कम होता है या पानी महदूद होता है तो ये अपना स्टोमेटा बंद कर लेते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो, ठीक हो गया बेटा। ये बिल्कुल आसान बात है, मीज़ोफाइट। मीज़ो कहते हैं मॉडरेट सप्लाई है, जब सप्लाई इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे ताकि पानी निकल जाए। जब इनको पानी चाहिए होगा तो पानी कम है ज़मीन में तो ये अपने स्टोमेटा बंद कर लेंगे ताकि स्टोमेटा से वाटर लॉस ना हो। इसके एग्जांपल ब्रैसी का पौधा है, गुलाब का पौधा है और ये मैंगो प्लांट है। आपको पता है ये गर्मी में ये सारे पौधे हमारे इस एरिया में मिलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ज़ीरोफाइट्स। जो ज़ीरोफाइट्स हैं, ज़ीरोफाइट का मतलब है, ज़ीरो कहते हैं डेजर्ट को। ऐसे पौधे जो ज़ीरोफिटिक कंडीशन में रहते हैं, जो सहराई इलाकों में रहते हैं, मसलन आपने देखा सहरा में बारिशें कम होती हैं, इसका मतलब है उनको प्रॉब्लम वहाँ पर क्या होगी, उनके पास पानी कम है। अब उन बेचारों को क्या करना पड़ेगा, कभी कभार अगर बारिश हो जाती है तो वो पानी को स्टोर करेंगे, क्योंकि पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम पानी कब उनको अवेलेबल हो। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास जो स्ट्रेटजी होगी, जो इनका तरीकाकार होगा, वो ये होगा ज़ीरोफाइट्स में कि ये ट्रांसपिरेशन को कम करेंगे। ट्रांसपिरेशन अब नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स पार्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। पानी बहरात की शक्ल में जब पौधे के स्टोमेटा से यानी लीव से जब निकलता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो इसमें आप देखें, ज़ीरोफाइट्स हैव द एडेप्टेशन फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रिड्यूस्ड रेट, इन्होंने अपनी ट्रांसपिरेशन को कम किया हुआ है। मैनी ज़ीरोफिटिक प्लांट्स पोजेसिस स्मॉल थिक लीव्स। हाइड्रोफाइट के लीव्स बड़े थे, ज़ीरोफिटिक के लीव्स छोटे हैं। स्मॉल थिक लीव्स टू लिमिट द वाटर लॉस। लिमिट का मतलब होता है कम करना, महदूद कर देना। बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। देखो बेटा, जितना लीव का साइज़ बड़ा होता है
उतने स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतना पानी का खारिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इन बेचारों को पानी मिलता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया हुआ, एक तो इनके लीफ बहुत छोटे हैं, स्मॉल हैं और थिक हैं, बहुत मोटे हैं, इसकी वजह से इनकी बॉडी में स्टोमेटा कम होते हैं। स्टोमेटा कम होने की वजह से यहाँ से वाटर लॉस बहुत कम होता है। नंबर टू स्ट्रेटजी, क्यूटिकल इज़ थिक, इनके लीव्स के ऊपर सख्त किस्म की कवरिंग होती है, इसको क्यूटिकल कहते हैं। वैक्सी और लेदरी, जिस तरह सेब का छिलका होता है ना, आपने सेब का छिलका देखा, वो हमारे मैदे में भी हजम नहीं होता, वो क्यूटिकल की कवरिंग उसके ऊपर होती है, थिक होती है। नंबर थ्री, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फिस ऑफ द लीव्स, इनके स्टोमेटा जो हैं वो लीव्स के नीचे वाली साइड पे होते हैं या फिर लोकेटेड इन द डिप्रेशन, डिप्रेशन कहते हैं कोई अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। इन सारे प्रोसेसेस का फ़ायदा क्या है, एडेप्टेशन का फ़ायदा क्या है, टू लिमिट द वाटर लॉस, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्योंकि जीरो फाइट्स हैं, इनको पानी कम मिलता है, तो इनकी कोशिश होगी कि हम अपनी बॉडी से कम वाटर लॉस करें। तो क्योंकि लॉस, वाटर लॉस करना इनकी जो है वो कंट्रोल में ऐसा ही है कि ये अपने स्टोमेटा को कंट्रोल करें। अगर धूप बहुत ज़्यादा है, स्टोमेटा ज़्यादा है, तो फिर तो पानी जनाब नाले से बाहर निकल जाएगा, तो ये पौधे जो हैं वो पहले विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उसके बाद डेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसके लिए कैक्टस प्लांट, ये भी आपने देखा होगा हमारे एरिया में भी मौजूद है, ड्यूरिंग द ड्राइस्ट सीजन शेड दियर लीव्स, कहता है कुछ पौधे ऐसे हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ना पत्ते होंगे ना स्टोमेटा होगा ना ही वाटर लॉस होगा, ठीक है ना। तो उस वक्त फिर इनका जो स्टेम होता है, स्टेम एक्ट एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, क्योंकि आपका सवाल होना चाहिए कि अगर लीव्स जो हैं वो गिरा देता है पौधा, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, ठीक है ना। तो प्लांट के लीव्स का काम फोटोसिंथेसिस भी तो है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इसकी मदद से करेगा, फिर उसका स्टेम ग्रीन होगा। जिस तरह हमारे बड़े बड़े दरख्त होते हैं इनका स्टेम वुडी होता है, इनके स्टेम वुडी नहीं होते, ठीक है। तो वो स्टेम ग्रीन होता है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो जाती है। उसके बाद इन द रेनी सीजन स्टेम स्टोर द वाटर, जब कभी बारिश हो जाए तो ये पानी को अपने पत्तों के अलावा अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये इनकी स्ट्रेटजीज हैं, ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, चार नंबर का क्वेश्चन है ये। तो वैसे शॉर्ट में हाइड्रोफाइट्स इसकी एग्जांपल, मीजोफाइट्स इसकी एग्जांपल, ठीक है ना। वो ये कुछ भी आपसे पूछ, ये कैक्टस प्लांट है जो आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, हमारे इधर मौजूद है, नर्सरी में भी होता है, तो कॉलेज में भी है ये, ठीक है जी। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, तो बेटा इसमें आपने देखा ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इसमें आपने देख लिया हाइड्रोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं और ज़ीरोफाइट्स हैं। हाइड्रो मतलब पानी वाले पौधे, फाइट्स मीन प्लांट्स, मीजो मतलब मॉडरेट सप्लाई वाले पौधे और ज़ीरोफाइट मतलब सहराई पौधे, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाइड्रोफाइट्स वो पौधे हैं जिनके पास पानी ज़्यादा है, अब पानी की सप्लाई में वो रहते हैं, तो इसका मतलब है उनको क्या प्रॉब्लम होगी, पानी को वो अपनी बॉडी से खारिज करना चाहेंगे, ठीक है ना। अगर खारिज करने के लिए प्लांट्स के पास सिर्फ एक ही गेटवे है, एक ही रास्ता है, वो है स्टोमेटा। जिसके पास जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उसका उतना वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। आप देखें गर्मियों में जब आप दरख्त के नीचे खड़े होते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है, वो क्या होता है, वो ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, ठीक है ना। प्लांट के सरफेस में ये जो लीव्स होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा से फिर ग्रेजुअली धूप की वजह से ट्रांसपिरेशन होती है, पानी निकलता है, और वो जो जब हम दरख्त के नीचे साए में जाते हैं तो वो हमें ठंडक का एहसास देता है, ठीक हो गया। तो वो मीजोफाइट हो गए, ज़ीरोफाइट भी ऐसे ही हैं। ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये सहरा में रहते हैं, तो ये इनकी कोशिश होती है कि हम वाटर लॉस को बचाएं, सही है। तो वाटर लॉस को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को कम कर लेते हैं। इनके लीव्स छोटे साइज़ के होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, थिक क्यूटिकल होती है, और इनके स्टोमेटा नीचे की तरफ, लीव के नीचे की तरफ होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ये अपने लीव को शेड कर देते हैं, ताकि जो ना लीव होगा ना स्टोमेटा होगा। तो जब स्टोमेटा ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद वाटर लॉस नहीं हो सकेगा। तो लीव जब नहीं होता तो फिर ये अपने स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसकी एग्जांपल लिखा आपकी बुक में लिखी हुई है, कैक्टाई प्लांट। मीजोफाइट की भी एग्जांपल लिखी हुई है, हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हाइड्रिला प्लांट है और पिस्तिया प्लांट है, ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है जी। आपके क्वेश्चन बेटा आपने गल भी नहीं किया, योर क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम, थैंक यू।